नमस्कार, सच कहूं पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। नजर पाउंदे देश दुनिया की टॉप 10 खबरां ते। लंदन में 143 करोड़ में बिकी टीपू सुल्तान की तलवार, 1 मीटर लंबी इस तलवार से देखी जा सकती है। सोने की लिखावट दसदी है कि श्री रंगपट्टनम महल तो सन 1799 में ब्रिटिश सैनिकों ने लुटी सी टीपू सुल्तान की यह तलवार। नवे संसद भवन लेके सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। राष्ट्रपति द्वारा नवे संसद भवन के उद्घाटन के लिए याचिका की खारज। जस्टिस जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा राव ने याचिकाकर्ता तो कहा कोर्ट में इस तरीके की याचिका का नहीं है कोई औचित्य। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के आगू और दिल्ली सरकार भी साबका कैबिनेट मंत्री सतेंद्र जैन को दी थोड़ी राहत। मेडिकल ग्राउंड से 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मंजूर। कोर्ट ने कहा जैन अपने पसंद के किसी भी निजी अस्पताल में करवा सकते हैं इलाज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दर्दनाक हादसा। कार के शारदा नहर में डिगण से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। सूचना मिलने से पहुंची पुलिस क्रेन की सहायता कार को कढ़िया बाहर। 5 शवों को कब्जे में लेके पुलिस ने की जांच शुरू। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 29 तक बरसणगे बदल। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलनगियां तेज हवावां। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने ऐलाने 10वीं जमात के नतीजे। संत मोहनदास मेमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल फरीदकोट की विद्यार्थन गगनदीप कौर बनी टॉपर। इसे स्कूल की विद्यार्थन नवजोत कौर ने 648 अंक हासिल करके सूबे भर विचों किया दूजा स्थान हासिल। पंजाब के बिजली खपतकारां नूं मान सरकार की वड्डी राहत। डिफाल्टर खपतकारां दे कट चुके बिजली कनैक्शनां नूं जोड़ेगी भगवंत मान सरकार। वन टाइम स्कीम दित्ता है। हुण 3 महीनों में बिजली बकाया राशि किस्तों में जमा करवा सकणगे डिफाल्टर। जलंधर के BSF चौंक से SC स्कॉलरशिप को लेकर विद्यार्थियों ने लाया धरना। राहगीर और वाहन चालकों को झेलनी पड़ी परेशानी। पुलिस ने लिया एक्शन। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को खदेड़िया। पुलिस और नौजवानों की झड़प के बाद माहौल बनया तनावपूर्ण। हरियाणा के बहादुरगढ़ के 4 पहलवान कौमांतरी कुश्ती प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। बहालगढ़ में हुई ट्रायल में 4 पहलवानों का चयन। कोच सुधीर ने जताई खुशी। बोले चारों पहलवान ग्रीको और फ्री स्टाइल देश में जीत के लियाएंगे मैडल। दस दिए कि जूनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 10-14 जून तक होगी। हरियाणा के जिले फतेहाबाद में शव मिलने के मचा हड़कंप। टोहाना उपमंडल में भाखड़ा नहर में पुलिस ने अज्ञात महिला का शव किया बरामद। महिला के गले और पैर में जंजीर बन्ने हुए सन पत्थर। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। शव कब्जे में लेके अगलेरी जांच की शुरू। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करो सच कहूं पंजाबी चैनल।